सब्र करने से सब्र आ जाने तक का सफ़र नहायत तकलीफ देह होता है। कमज़र्फ इंसान सबसे पहले अपने मोहसिन को नुकसान पहुंचाता है। वो किताबों में दर्ज ही नहीं था जो सिखाया सबक ज़माने ने। रिश्ते और ताल्लुक निभाना एक फ़न है जिसके लिए दौलत की नहीं महज एहसास की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी ने एक चीज़ ज़रूर सिखा दी है, अपने आप में खुश रहना, दूसरे किसी से उम्मीद न रखना। नज़र अपनी खामियों पर भी रखी है हमेशा, सामने वाला गलत नहीं होता। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, मगर सुनते रहोगे तो लोग भूलने की तमीज़ भूल जाएंगे। मजबूत तरीन होते हैं वो रिश्ते जहाँ ऐब गिने नहीं छुपाए जाएं। कुदरत का एक अनोखा उसूल है, जब आप किसी की जड़ें काटते हैं तो आपके अपने दरख्त पर फल लगना बंद हो जाता है। फतह करने के लिए जंग ज़रूरी तो नहीं, उसने अखलाक भी इंसान को झुका देता है। चाहतों का मान रखा करें, पछतावे कम नहीं आते। एतबार ज़रूर करें दूसरों पर, लेकिन किसी को मौका ना दें कि वो आपको अंधा समझने लगे। लहजे समझ आते हैं मुझे, बस लोगों को शर्मिंदा करना अच्छा नहीं लगता। हालात जैसे भी हों, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गलतियां कीजिए मगर किसी के साथ गलत ना कीजिए। जल्द ही वो मकाम आता है जहां अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई हर चीज़ से नवाज देना है। बुराई ढूंढने का शौक़ है तो आईना इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन नहीं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, औरत के लिए बेहतरीन जेवर पर्दा है और पर्देदार औरतें जन्नत में मेरी बेटी फातिमा के साथ होंगी। सोच अगर अच्छी हो तो खुदा तकदीर भी बदल देता है।